ओके सो इस वीडियो में हम जो है फ्लटर के बेसिक्स देखेंगे कि फ्लटर फ्रेमवर्क बेसिकली है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बना सकते हैं iOS और एंड्रॉयड की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक कोड बेस के साथ। फ्लटर बेसिकली जो काम करता है वो विजेट्स पे काम करता है। विजेट्स को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जिसको आप कह सकते हैं UI कंपोनेंट्स या UI ब्लॉक। फ्लटर बेसिकली चलता है डार्ट लैंग्वेज पे। डार्ट वो लैंग्वेज है जो कि गूगल ने बनाई है और डार्ट कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ये पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन ये पॉपुलर जब हुई जब इसको फ्लटर के साथ इंटीग्रेट किया गया। डार्ट ज़्यादातर फोकस फ्रंट एंड डेवलपमेंट पर है जिसपे मोबाइल ऐप्स और वेब एप्स भी बनाई जाती हैं। फ्लटर सिर्फ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट तक ही महदूद नहीं है बल्कि मोबाइल ऐप्स के अलावा वो वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी काम करता है। चूँकि वेब एप्लीकेशन का जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली भी इतना स्टेबल नहीं हुआ, चूँकि इंटरनेट पे अभी भी ओपन सोर्स अवेलेबल है लेकिन उसका आप यूज़ भी कर सकते हैं, उस पर वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं वो, लेकिन वो अभी इतना स्टेबल तरीके से रिलीज़ नहीं किया गया। फ्लटर का जो आर्किटेक्चर है बेसिकली वो तीन चीज़ों पर बेसिस करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया विजेट ट्री, प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस जो होते हैं, और मेन चीज़ है जिसकी जो वन कोड बेस। विजेट ट्री से मुराद है कि आपकी जो फ्लटर का जो आर्किटेक्चर, आपकी जो भी ऐप आप बनाते हैं वो बेसिकली एक बनता है ट्री, विजेट ट्री। जो फॉर एग्जांपल आपकी एक ऐप है जिसमें दो स्क्रीन्स हैं या तीन स्क्रीन्स हैं, लॉगिन की, साइनअप की एंड होम की, होम स्क्रीन। तो आपकी सबसे पहले जो एक ऐप, जो एक विजेट बनेगी, विजेट में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विजेट सिर्फ एक कुछ स्मॉल कंपोनेंट को ही नहीं बल्कि पूरी स्क्रीन भी फ्लटर में एज अ विजेट ही काउंट होती है। विजेट आप जब बनाएंगे, आप जो कोई भी स्क्रीन भी बनाएंगे तो वो भी विजेट होगी, ठीक है। उसके उसका जो चाइल्ड बनेगा या उसका जो आप कह सकते हैं कि सिबलिंग बनेगा, वो साइनअप की स्क्रीन होगी या होम स्क्रीन होगी या कोई भी स्क्रीन हो सकती है जो भी आपकी ऐप के हवाले से। प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस एंड वन कोड बेस, इस चीज़ को मैं एक साथ डिफाइन करूँगा कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो आप कोड लिखते हैं वो एक बेसिकली वन कोड बेस होता है। वन कोड बेस से मुराद है कि आपने सिर्फ एक ही बार कोड लिखना है डार्ट लैंग्वेज पे, और जो आप इसकी जब बिल्ड बनाएंगे तो आप इसकी दो अलग अलग बिल्ड बना सकते हैं, एंड्रॉयड एंड iOS। iOS का कोड जो होगा वो बेसिकली होगा ऑब्जेक्टिव सी पे या स्विफ्ट पे, और एंड्रॉयड का जो होगा वो होगा जावा पे या कॉटलिन। तो जिस तरीके से मैंने कहा एवरीथिंग इज़ अ विजेट, हर चीज़ एक विजेट है फ्लटर में। विजेट एक तरीके से बेसिकली बेस है फ्लटर की। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट सामने है, इसमें लिस्ट जो अवतार लगा हुआ है वो, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो, ऊपर ऐप बार वो, हर एक चीज़ छोटी छोटी स्मॉल विजेट्स हैं। बेसिकली पूरा एक पेज जो है एज अ विजेट काउंट किया जाता है क्योंकि वो छोटी छोटी विजेट से ही मिलकर बना है पेज। वन कोड बेस जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास तीन फाइल्स हैं, मेन डॉट, होम डॉट एंड लॉगिन डॉट, तो ये तीन फाइल्स कंपाइल होकर दो बिल्ड जो हैं बनती हैं इसकी, एंड्रॉयड की अलग और iOS की अलग। प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस इस तरीके से इसमें किए जा सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि फ्लटर में जो है बहुत रिच UI लाइब्रेरी है, एंड्रॉयड के लिए भी, iOS के लिए भी। एंड्रॉयड के लिए जो हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो है मटेरियल लाइब्रेरी, और iOS के लिए जो हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो कहलाती है कपरटिनो लाइब्रेरी, कपरटिनो पैकेज जिसको हम कह सकते हैं। वो बेसिकली होता यह है इसमें कि आप जो है कंडीशन वाइज जो है इसमें iOS अपना चेक करके टारगेट प्लेटफॉर्म, जैसे कि सामने आपको कोड दिख रहा है कि टारगेट प्लेटफॉर्म, आप चेक करके आप iOS की लुक एंड फील भी दिखा सकते हैं और एंड्रॉयड की मटेरियल की लुक एंड फील भी दिखा सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि फॉर एग्जांपल आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई, फ्री मटेरियल पर एप्लीकेशन बना ली, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब अच्छा अब iOS के लिए दोबारा से हमें जो है सारी कंडीशंस लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं। आपकी जो मटेरियल ऐप है जो आपने एंड्रॉयड पे बनाई है वही सेम मटेरियल ऐप जो है एंड्रॉयड पे भी iOS पे भी चल जाएगी विद मटेरियल लुक एंड फील। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि iOS की जो बिल्ड होती है वो iOS की ऐप्स जो हैं बेसिकली iOS का ही लुक एंड फील आना चाहिए, तो इसलिए जो वहाँ पर हम कपरटिनो विजेट्स यूज़ करते हैं। तो ये था कुछ फ्लटर के बेसिक्स जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरीके से फ्लटर का आर्किटेक्चर है और किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो अब जो है हम आगे फ्लटर के बेसिक्स के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे
द रियल ऐप डेवलपमेंट, जिस पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से हम एक नोट टेकिंग ऐप बनाएंगे, जिसमें हम एक तरीके से बेसिकली क्रड ऑपरेशन बनाएंगे, किस तरीके से चीज़ें लॉजिक बिल्डिंग किस तरीके से की जाती है और स्टाइलिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है, विजेट्स पे किस तरीके से काम किया जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और टेक्नोलॉजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।